सो वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं नॉट अ टाइप की फनी वीडियोस पे रिएक्शन। ये अपनी पहली एनिमेशन इंडियन एग्जाम ग्रुप स्टडीज एंड नाइट आउट्स फीचरिंग चाइल्डहुड मेमोरीज। चलो ये बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आया? नहीं मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। ये किसी के और तुम लोग बोलोगे ना, तुम लोगों के पास ये नहीं था तब लिटरली हर बच्चे के पास था कर दिया मैंने मैसेज आ रहा है तुम, और उस पे तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार, तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है, इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाखला का बूम बूम देख लेता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया। ग्रुप से लाइक Roblox द सैंडबॉक्स अलाउज यू टू बिल्ड योर ओन 3D गेम्स यूजिंग इट्स गेम मेकर एप्लीकेशन। स्टडीज ही करता था फिर मैं, और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं, इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये इसका तो मुझे आज तक पता नहीं चला, इसका तो मैंने लाइन खींचने में यूज किया होगा। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लिख होता था तो अभी इसका ही यूज करके लाइन खींच लेता था, इसका अभी तक पता नहीं है। बुलाते हैं युवराज राजेश पाटीदार, इधर आओ। हाँ भाई मेरे से ही काम है ना, कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 hour 45 minutes पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं नहीं हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है सुपर पावर्स। अन्ने पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम्मी। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहां पर है चीज है। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघकर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत लाके देगा। जनरल स्टोर से इसलिए क्योंकि बंटी के पास 1 कार्ड था ना, एक क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि लाइफ ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे, इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? कह रहे सेमड़े तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती। प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था, एक चीज बता दिया, ग्रुप स्टडीज से कुछ भी नहीं निकलता है। इतना तुम लोग 3-4 घंटे पढ़ोगे कल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। अच्छा हो मुझे ट्रिग्नोमेट्री। हे दोस्त क्या तुम मुझे वो कब दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट। ये लो। थैंक यू।
बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया? और एक सेकंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है, जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है, नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है, 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊंगा। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा, और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा, हाँ अच्छा जी, हाँ एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? नहीं तो? अच्छा है, वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। हैं? बस चमेट बजाते? अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E=mc² में से ई और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था, तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है, अल्बर्ट मेरा वो मतलब नहीं था। Come on यार अल्बर्ट, तू हमेशा अल्बर्ट अल्बर्ट सांस नहीं आ रही भाई, उठा दे प्लीज। मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है राजू? हाँ वो तो राजू बेटे, एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी दो खाऊंगा। हेलो राजू, वो बोल बेटे टमाटर की सब्जी बना दू ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा बेटे था... कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए, फिर पक्के बना दो। दो दो सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। राजू ने मुझे कॉल पर बताया कि उसके मम्मी पापा रात में किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम रात में उसके घर पढ़ने आ सकते हैं। अब देखो, मैंने और बंटी ने आज तक किसी दूसरे के घर या खुद के घर पर भी रात में कभी पढ़ाई नहीं की थी। भाई हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, हम उतने विकसित ही नहीं थे तब। बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली कहावत हो रही थी हमारे साथ। अरे ये क्या स्वाद है, समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों को पता तक नहीं है कि रात में पढ़ने के लिए लेके क्या जाना है। बंटी उधर विमल के झोले बांध रहा होता है। भाई देख, ये वाले झोले के अंदर अपना किराना है और ये वाले झोले के अंदर नाने मंजन का सामान है। और सुन, ये वाला झोला संभाल के रखना, इसके अंदर। अरे मेरा चश्मा किधर गया? अनुपमा देखते समय यही तो उतारा था कि बाहर छोड़ दिया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर चश्मा और। लेकिन बाहर मेरा चश्मा नहीं है यार। अनुपमा इतना बेकार शो भी नहीं हो सकता कि वो मेरी याददाश्त मिटा दे। एक बार और देख के आता हूँ, एक बार और। मैं पहली बार कब गया, देख के आता हूँ। देख इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर अपने पैसे हैं, और तूने मच्छर अगरबत्ती और भाले बंदूक रख लिया है ना। भाले बंदूक क्यों बे? अरे पागल, उधर शिकारी या भालुओं ने हमला किया तो। अरे ओ बंटी पगलेट, ग्रुप स्टडीज करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगलों में नहीं, और बस कर मेरे बाप कितना सामान पैक करेगा, एक रात के लिए जा रहे हैं। हम लोग रात में राजू के घर पहुंचते हैं, ऑफकोर्स पढ़ाई का सामान लेके और एक बड़ी सी 5 लीटर की थम्सअप की बोतल भी लेके, जिसके अंदर थम्सअप भी नहीं है, पानी भरा हुआ है। क्यों? किसी को नहीं पता, बंटी लेके आया था। और इस भंड मनुष्य से पूछ रहे तो बता भी नहीं रहा। बाद में राजू ने थोड़ा फोर्स किया तो पता है ये भाग के बाहर गया और बोतल के पानी से एक बकरे को भिगा के आ गया, वो भी ठंड में। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भिगा के आया हो, पूरा 5 लीटर भिगा के आया था भाई। वो थम्सअप की बोतल में पता है कितना पानी आता है, वो घर में गिर जाए तो सुनामी आ जाती है, घर भेजाते हैं भाई लोगों के। मैंने कहा भाड़ में गया यार मैथ्स, मुझे पहले बंटी के बारे में जानना है। खैर उस रात राजू के घर जो भी चीजें हुई, उस मैथ्स एग्जाम के एक रात पहले जो चीजें हुई, वो अगर मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी, और 20 मिनट एनिमेशन बनाने के लिए ना ही मेरे पास पैसे है और ना ही तुम्हारे पास टाइम। इसलिए इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, वो भी स्टोरी टाइम ही होगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिल चलिए अभी दूसरे एनिमेशन के बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका। पहले बता दो, इंडियन गोस्ट स्टोरीज हॉरर शोज एग्जाम। तो ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का, तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लेकिन अभी रुको,
अभी यहीं रुको, तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। अब तक आपने देखा, ये बात थी मेरे मैथ्स एग्जाम से एक दिन पहले की। मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू हमें उसके घर रात में पढ़ने बुला लेता है। अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुँच जाते हैं, इसी सोच में की ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकी सुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना। हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचैन और सिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकीसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके इमामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकीसुकी निकल लेता है। हेलो सिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? हैं, क्यों नहीं डेकी सुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वॉयलिन क्लास जाती हूँ। सिजुका, ओए सिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकी सुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको सिजुका, वो क्या नोबिता को लिटरली है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो, अरे इसका क्या हो गया है? डोरेमोन का क्या हो गया है? चला गया। कोई बात नहीं सिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की समझता क्या साला? हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, ये मीचान ने कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियाँ एक ही होती है। और सिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा, मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार सिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठते से ही मुंह देता है। नोबिता। माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शो के बारे में बता दिया। तुम लोग तो जानते ही हो मुझे, पर क्या तुम प्रोबो के बारे में जानते हो? नहीं, इसमें राधा ही तो अब घंटा है और बोलती थी। आंटी और मैं डोरेमोन, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना मत भूलना। अब हमारी केस में राजू डेकी सुकी था और बंटी और मैं डोरेमोन नोबिता, तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी, तो पढ़ाई तो अब घंटा होनी नहीं थी। मुझे याद है हम लोग ने 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है, हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से ना कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड, हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला, चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दिया ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल चलते थे, और रात में 9:10 के बाद तो सारे चैनल पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा 6,500 का वो यही होगा हेयर ड्रायर होगा, बाकी का वो जो पैसा है ना उसमें महंगा सौदा नहीं है। लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है, मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है, जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे, तो कुछ बताओ आइडिया। सर सर सर, अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता। सलेंद्र सर, सलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे, देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचें? ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं, तेरा तो प्रमोशन पक्का। नाप तो लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब खुशियों के पल सुनते हैं। और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा पैसा है, जितना पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है?
ज्यादा रोना आ रहा है ना? पापा आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। I hate you. ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। क्या खुशियों के पल थे, भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। अब हम टीवी पर तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और गबराल, स्टार उत्सव पे। उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कम्प्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनके एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर ली है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। ए, मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इनवाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। ये क्या देख रही हूँ, कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए देके चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं, वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव। अब आते हैं विकराल गबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा गबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा, कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बाथरूम। फिर विकराल गबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। हैं, सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आँख। अभी अभी और है, जब भूत मर जाएगा ना, तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। बहन जो। रुको रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई इसको, अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पे डालते हैं। मैं ना विकराल गबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी। ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है, और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है, इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल गबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल गबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.youtube.com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल गबराल। सॉरी, और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा, क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो हेलो, ए बच्चे, अपनी मोबाइल क्वालिटी ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक, आपके मोबाइल बैलेंस से 1,00,000 रुपए कट गए हैं, और अब आपका बाप रोड पे आ गया है, हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल गबराल देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल गबराल, अरे भाई जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या है यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ए, 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 अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार विकराल, ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। हो गया, तुम
तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो घबरू उसको बॉटल में भर लेते हैं। विकराल हो घबराल। ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था भाई। हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं। मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। हेलो, तुम लोग की भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे होंगे तो देख लो भाई, ग्रुप स्टडीज तो मत ही करना। और ग्रुप स्टडीज कौन रहो करो ना, तो विकराल घबराल तो मत ही देखना। खैर अगर वीडियो पसंद